डी स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है जो आपने प्लान की हुई हैं और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है इसको हम एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कहते हैं टू डिस्क्राइब द एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान नंबर वन आल पॉसिबल एमरजेंसीज कंसिक्वेंसिस रिक्वायर्ड एक्शन रिटर्न प्रोसीजर्स एंड द अवेलेबल रिटर्न प्रोसीजर रिस्पॉन्स प्लम्प एक्शंस और रिसोर्स अवेलेबल एंड सब को वहाँ पे यूज़ करना ताकि कम से कम वक्त में सबसे ज़्यादा जो कीमती जाने हैं उनको बचाया जा सके ये बुनियादी मकसद है इसका और तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को कैसे रेस्क्यू करना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान नंबर वन प्रिवेंट फटीक एंड इंजरीज इंजरीज से कम से कम इंजरीज से एम्प्लॉय को बचाया जा सके रिड्यूस डैमेज टू द बिल्डिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट इससे बचाया जा सके कम से कम लॉस हो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्ट दिनवायरमेंट एंड द कम्युनिटी लोगों को जो साउंडिंग में है उनको भी सेफ किया जा सके एक्सेलेट द रिजम्प्शन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन एक्सेलेट तेजी को कहते हैं कि ऑपरेशन को तेजी के साथ किया जाए लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस रूटीन में पहले होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हो इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन हाउ टू टैकल द सिचुएशन हाउ लाइकलीचुएशन इज टू अकाउट उसके मतलब भी आपके ऑब्जेक्टिव ये पहले से क्लियर होने चाहिए वट मीन्स आर अवेलेबल टू स्टॉप और प्रिवेंट द सिचुएशन एक्सीडेंट की शक्ल में कौन कौन से रिसोर्स आपके पास हैं उसको स्टॉप करने के लिए और इम्प्लॉइज को वहाँ से अवैक्यूट कराने के लिए वट इज़ नेसेसरी फॉर गिवन सिचुएशन उस सिचुएशन में क्या अरेंजमेंट नेसेसरी हैं मसलन प्रॉम्प्ट वे में आपके जो चीज़ आपके जो एग्ज़िट डोर हैं वो ओपन होने चाहिए आपकी फायर के अलार्म बजने चाहिए फायर अगर लग जाती है कहीं पे तो उसके लिए जितने भी मटेरियल यूज़ होता है या गैसेस यूज़ होती हैं या जो सिलेंडर यूज़ होते हैं या जो सैंड रेत के वो मुख्तल किस्म के पॉट यूज़ होते हैं ये सारे इक्विपमेंट वहाँ मौजूद होने चाहिए और जिन लोगों ने उनको यूज़ करके वो फायर से आपको बचाना है वो वहाँ पर स्टाफ मौजूद हो और देखना यह है कि हाउ क्विकली दे रिस्पॉन्स इन दैट सिचुएशन इस पॉइंट को हम कहते हैं कि वट इज़ नेसेसरी फॉर अ गिवन सिचुएशन फ्राम दिस एनालिसिस अप्रोप्रियट एमरजेंसी प्रोसीजर कैन बी एस्टैब्लिश इन चीज़ों को देखते हुए एमरजेंसी प्रोसीजर को इस्टेब्लिश किया जाता है बुलेट्स फॉर्म में डिफ़ाइन किया जाता है फिर उन चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैज़र्ड्स नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में हैजर्ड्स आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं जो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी उनकी एग्जाम्पल्स हैं नंबर वन एक्सप्लोजन धमाका हो गया फायर आग लग गई बिल्डिंग कोलेब्स बिल्डिंग ही गिर जाती है या कुछ हिस्सा गिर जाता है मेजर स्ट्रक्चरल फेलियर स्पेलिस अन इंटेंशनल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स डेलीबरेट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें ये स्टूडेंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कोई टेक्निकल नहीं है मसलन लास्ट टू पॉइंट्स हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ वाटर सप्लाई इसमें कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल नेचर की हैं लेकिन इसमें इंसानी जान के ज़ाया होने का खतरा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसानी जान के ज़ाया होने का खतरा है तो इन चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कौन का सा काम पहले करना है कौन सा सेकंड फेज में करना है और तो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को ले कर इन हैज़र्ड्स को ओवरकम करना है और इनको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्टिव डेवलप करने हैं टीम डिफाइन करनी है और उस टीम को कैसे ट्रेन करना है ये यहाँ पे बुनियादी मकसद होता है जिसको हम इमरजेंसी प्लान कहते हैं डिसीजन टू बी कंसीडर्ड फिर हम लोगों ने इन प्लान के मुताबिक डिसीजन क्या लेने हैं नंबर वन सिक्वेंशल इवेंट कौन सा इवेंट पहले करना है कौन सा बाद में करना है एवैक्यूशन एम्प्लॉय को कैसे निकालना है काजैलिटीज़ कैसे काजालिटीज़ को डील करना है डैमेज टू प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज को कैसे देखना है लॉस ऑफ वाइटल रेकर्ड डॉक्यूमेंट्स डैमेज टू इक्विपमेंट डिस्टप्शन ऑफ वर्क काम रुक जाएगा उस सिचुएशन में क्या करना है ये सारे डिसीजन आपने पहले से लिए होते हैं अगर उस काम होने के बाद डिसीजन लेंगे तो कभी भी आप बेटर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते